सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। श्री श्याम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागरा की तरफ से ऑनलाइन वीडियो ऑनलाइन क्लासेस जो हम इंटीग्रेशन में चल रहे थे 9.1 एक्सरसाइज में, तो इसके अंदर 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस कोस 2x dx है। तो 1 प्लस कोस 2x डायरेक्ट इसका कोई समाकलन नहीं होता है, तो हम इसको कैसे करेंगे, 1 प्लस कोस 2x को, यानी कोस 2x का फॉर्मूला होता है, सूत्र क्या होता है कोस 2x का, केवल कोस के अंदर 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, इस माइनस 1 का पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब 1 प्लस कोस 2x बराबर 2 कोस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कोस 2x बराबर क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स, 2 कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, 2 को बाहर ले लेंगे अंडर रूट 2, कोस स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, कोस एक्स डी एक्स। कोस एक्स का समाकलन क्या होता है बच्चों, प्लस का साइन एक्स, तो आई बराबर अंडर रूट 2 प्लस का साइन एक्स प्लस का से, समझ में आ गई बात। अब आगे वाला जो 23 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए, आई बराबर कोस 2x साइन स्क्वायर एक्स डोटे कोस स्क्वायर एक्स, इनका हम कैसे करेंगे समाकलन, डायरेक्ट कोई समाकलन नहीं होता इनका, परंतु देखो हर के अंदर साइन और कोस में दिया हुआ है, हर के अंदर क्या दिया हुआ है, साइन और कोस में, तो हम इस कोस 2x वाले उस कोस 2x को हम क्या कर देंगे, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स में कर देंगे, कोस 2x को क्या कर देंगे, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, क्यों कर देंगे, क्योंकि हर के अंदर साइन और कोस में दिया है, तो अंश वाला भी हम क्या करेंगे, कोस एक्स और साइन एक्स में चेंज कर देंगे, तो आई बराबर कोस यानी कोस और साइन वाला क्यों करेंगे, हर के अंदर साइन और कोस वाला है, तो कोस टू एक्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो कोस टू एक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, अलग अलग इसका क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोस कोस कैंसिल साइन साइन कैंसिल, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, कोस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 बटे कोस स्क्वायर एक्स क्या होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोस स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा, माइनस का कोट एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स का माइनस का टेन एक्स, और कांस्टेंट अचर पद है वो क्या लगा दिया मैंने, सी। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस है वो क्या लेंगे, कॉमन ले, माइनस है कॉमन ले लेंगे, तो आई बराबर माइनस कॉमन लेंगे टेन एक्स प्लस में कोट एक्स प्लस में सी आ जाएगा, आई बराबर क्या आ जाएगा, टेन एक्स प्लस कोट एक्स प्लस में सी, कि कोस 2x है, इसको हम फॉर्मूला में हमने क्या लगा दिया, कोस स्क्वायर एक्स माइनस है साइन स्क्वायर एक्स, अलग अलग इसका भाग दिया, फिर इसका समाकलन किया, ये कोस एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स है वो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स, कोस एक्स स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस कोट एक्स होता है, sec स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस टेन एक्स होता है, माइनस कॉमन ले लेंगे
क्या आ जाएगा हमारे पास, टेन एक्स प्लस में कोट एक्स प्लस में सी आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है इनका 24 नंबर। तीन कोस एक्स प्लस चार अपॉन साइन स्क्वायर एक्स 24 नंबर है। तीन कोस एक्स प्लस चार अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, अलग अलग इसका क्या करेंगे, डिवाइड भाग कर देंगे। तीन कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और प्लस चार अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, अलग अलग इसका भाग देंगे। कोस बटे साइन स्क्वायर एक्स और चार बटे साइन स्क्वायर एक्स, तो तीन बार ले लेंगे। कोस एक्स अपॉन साइन एक्स डॉट वन अपॉन साइन एक्स डी एक्स प्लस चार बार ले लेंगे डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। कोस बटे साइन कोट एक्स, कोस बटे साइन क्या होगा कोट एक्स, और एक बटे साइन एक्स है वो क्या होगा कोसेक एक्स। तो i बराबर तीन कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स डी एक्स प्लस चार एक बटे साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कोसेक एक्स कोट एक्स का समाकलन क्या होगा, माइनस का कोट एक्स हो, सॉरी माइनस का कोसेक एक्स, तीन कोसेक एक्स और प्लस चार कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस का कोटेक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा, माइनस का कोटेक्स प्लस में से कॉन्स्टेंट सी। अब इसमें माइनस है वो क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो आई बराबर माइनस तीन कोसेक एक्स प्लस चार कोटेक्स प्लस में सी आ जाए। तीन कोसेक एक्स प्लस में चार कोटेक्स प्लस में सी आ जाए। कर लोगे, समझ में आया ना इस प्रकार। अब है प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन कैसे करते हैं, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे करते हैं। प्रतिस्थापन जो मान की किया जाता है, लेट टी या जेड मान लेते हैं या वाई जो भी हो, मान की इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं टेन एक्स डायरेक्ट कोई वैसे मैंने सूत्र बताया था, टेन एक्स का डायरेक्ट कोई समाकलन नहीं होता है बच्चों। तो टेन एक्स को हम क्या करेंगे, साइन और कोस में चेंज कर देंगे। सबसे पहले इसमें करेंगे साइन एक्स और कोस एक्स में, तो आई बराबर साइन एक्स अपॉन कोस एक्स डी एक्स। अब देखो नीचे वाले के बराबर टी मान ले तो ऊपर वाला इसका टी मान के अवकलन करते हैं तो ये अवकलन आ रहा है या नहीं आ रहा भी। हम कोस एक्स बराबर टी मानते हैं तो कोस एक्स का आगे अवकलन आ जाएगा माइनस का साइन एक्स डी एक्स, आ रहा ना। तो यानी ऐसे फलन के बराबर टी पुट या प्रतिस्थापन करेंगे ताकि इनका डी एक्स के साथ अवकलन प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए, अवकलन। तो माना कोस एक्स बराबर क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे कि माना कोस एक्स बराबर टी, इसका अवकलन करेंगे दोनों पक्षों में चर राशियों के सापेक्ष। चर राशि यहाँ एक्स है, यहाँ क्या है टी, दोनों ही चर राशि है, टी अचर नहीं है, एक्स भी चर राशि है
और टी भी चर राशि है, तो दोनों पक्षों में चर राशियों के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में चर राशियों के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कॉस एक्स का अवकलन करते हैं क्या आता है, माइनस का साइन एक्स, एक्स का डी एक्स, टी का डी टी, एक्स का डी एक्स होगा ध्यान रखेंगे, कॉस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स, एक्स का डी एक्स, टी का डी टी, साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का डी टी आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का डी टी, ये हम क्या मान रहे हैं, टी मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, टी, इसके स्थान पर हम टी रखेंगे, आई बराबर माइनस डी टी पॉन टी, माइनस का लोग टी प्लस में सी, टी का मान क्या है, कोस एक्स, आई बराबर माइनस का लोग कोस एक्स प्लस में सी, अब ये माइनस की घात इसमें जाएगी, लोग के अंदर प्रॉपर्टीज क्या होता है, कोस एक्स है वो किस में चल जाता है, माइनस में, घात है वो किस में चल जाएगी, माइनस की एक घात है वो क्या आ जाएगी, माइनस की, तो लोग कोस एक्स माइनस एक, अब ये घात माइनस कोस एक्स की घात माइनस हम हर में ले आएंगे, तो एक बटे कोस एक्स, एक बटे कोस एक्स क्या आता है, सेक एक्स आता है, लोग सेक एक्स प्लस में सी आ जाएगा, ऐसे होगा, समझ में आई बात, फिर टेन एक्स है इसको हम क्या करेंगे, साइन एक्स और कोस एक्स में चेंज कर देंगे, फिर हम कोस एक्स बराबर टी मान लेंगे, दोनों पक्षों में चर राशियों के सापेक्ष अवकलन करेंगे, कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी, डी टी पॉन टी क्या होगा, माइनस लॉग टी, टी का मान कोस एक्स, माइनस है वो घात में चल जाएगी लोग के अंदर, एक बटे कोस एक्स है वो क्या आ जाएगा, सेक एक्स प्लस में सी आ जाएगा, ऐसे ही कोटेक्स का देखते हैं बच्चों, कोटेक्स का समाकलन कैसे होता है, वही प्रतिस्थापन विधि द्वारा होगा, के कोट एक्स डी एक्स, कोट एक्स है वो क्या होता है, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है, कोट एक्स है वो क्या होता है, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, अब इसी प्रकार साइन एक्स बराबर हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, साइन एक्स बराबर क्या मान लेंगे, टी, कि माना साइन एक्स बराबर टी, दोनों पक्षों में चर राशियों के सापेक्ष जैसे ये किया है उसी प्रकार दोनों पक्षों में चर राशियों के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स और एक्स का डी एक्स, टी का डी टी, कोस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो हमारे पास आई बराबर क्या आ जाएगा, डी टी पॉन टी क्या आ जाएगा, लोग टी प्लस में से लोग टी का मान साइन एक्स प्लस में सी, अगर इसको साइन एक्स को हम एक बटे कोस एक्स भी, कोसेक एक्स भी लिख सकते हैं ना, लोग एक बटे कोसेक एक्स प्लस में सी, तो ये कोसेक एक्स की घात कितनी हो जाएगी, माइनस एक, लोग कोसेक एक्स की घात माइनस एक प्लस सी, ये माइनस लोग के अंदर घात में वो क्या आ जाता है, आगे आ जाएगा, तो आई बराबर माइनस लोग कोसेक एक्स प्लस में से, ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है समाकलन का, टेन एक्स कोट एक्स का, और इसी प्रकार टेन एक्स का क्या होगा, एक तो कोस एक्स प्लस सी वाला माइनस वाला, और एक ये दो फॉर्मूले होते हैं, कौन से भी आप यूज कर सकते हो, समझ में आया ना, तो टेन एक्स और कोट एक्स के हैं वो फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो
साइन अपॉन कोस और कोस अपॉन साइन लगा दें, ठीक है। अब देखो सेक एक्स और कोसेक एक्स के समाकलन कैसे करते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही। sec x dx इनका कैसे करेंगे, तो इनको a के sec x अंश और हर में sec x प्लस टेन एक्स से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे अंश और हर में। क्यों करेंगे, क्योंकि t मान के करेंगे तो वापिस अंश वाला अवकलन आता है। अंश और हर में sec x प्लस टेन एक्स से क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। क्यों करते हैं वो देखो मैं बताता हूँ कि हर वाले के बराबर टी माने प्रतिस्थापन विधि द्वारा, तब अंश वाला इसका अवकलन करते हैं वो हमारे पास फलन का मान आ जाएगा, कि अंश और हर में समाकलन के अंश और हर में अंश और हर में sec x प्लस tan x से गुणा करने पर, अंश और हर में sec x प्लस tan x से गुणा करेंगे तो i बराबर sec x प्लस tan x dx बटे sec x प्लस tan x। अब sec x प्लस tan x बराबर क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, क्या मान लेंगे t, कि माना sec x प्लस tan x बराबर t मानेंगे, तो दोनों पक्षों में अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर sec x का अवकलन क्या होगा, sec x डॉट tan x, sec x का अवकलन क्या होगा, sec x डॉट tan x, tan x का अवकलन क्या होगा, sec square x और dx बराबर t का अवकलन dt। sec x इसमें क्या ले लेंगे, कॉमन, sec x कॉमन लेंगे क्या आएगा, tan x प्लस में sec x dx बराबर dt, ठीक है। sec x दोस्तों हमारे पास ये मान रहे हैं और अंश वाला क्या आ गया, अवकलन, तो dt upon t क्या होगा समाकलन, log t प्लस में से t का मान क्या होगा, sec x प्लस में tan x, तो log sec x प्लस में tan x प्लस में c आ जाएगा। तो दोबारा देखो इसको, sec x अंश और हर में किसका गुणा करेंगे, sec x प्लस tan x से गुणा करेंगे, फिर sec x प्लस tan x बराबर हम t मान लेंगे, दोनों पक्षों में अवकलन करेंगे, sec x का अवकलन sec x डॉट tan x, tan x का अवकलन sec square x, x का अवकलन dx बराबर dt, sec x कॉमन लेंगे tan x प्लस sec x dx बराबर dt, और dt upon t क्या आएगा, log t प्लस c, t का मान sec x प्लस में tan x प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। इस प्रकार अब इसको साइन और कोस में भी चेंज करेंगे, कैसे करेंगे दोबारा एक बार और देख लीजिए, दोबारा sec x का क्यों किया हम sec x प्लस tan x से गुणा, अंश और हर में sec x प्लस tan x से, क्योंकि ये इसका t मान के प्रतिस्थापन विधि द्वारा अवकलन होता है sec x प्लस tan x, तो sec x प्लस tan x बराबर t, दोनों पक्षों में अवकलन करेंगे, sec x डॉट tan x, tan x का sec square x dx बराबर dt, sec x tan x प्लस में sec x dx बराबर dt, dt upon t क्या आएगा, log a t आएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात, थैंक यू। अब आगे वाले वीडियो में करेंगे।